सत श्री अकाल जी, मैं अमरजीत कौर और मैं अगर अपने बारे दसना चाहूँगी कि मैं पिछले लगभग 15-16 साल तो खेती कर रही हूँ और मैं खुद कर रही हूँ, मेरे ना कोई काम करने वाला नहीं हैगा। तो मेरी फैमिली मेरे मम्मी है, तो मेरे ब्रदर आ, तो पूरी फैमिली है मेरे नाल। तो मैं ये सिचुएशन उदों पई जदों मैं बहुत छोटी एज सी, मेरी 15-16 साल के लगभग, मैं स्कूल पास आउट किया सुखपाल सीनियर सैकेंडरी स्कूल वाले तो। तो मैं जिमें ही कॉलेज में एंटर किया तो साडे घर के उपर दुखों का पहाड़ टुट गया। वो यहोजा टुटा कि मैं अगर मतलब कि ये सोचा कि बहुत छोटी एज आ, मैनू पता है नहीं कुछ, तो क्योंकि पिता जी जो सी मेरे खेती करते, खेती तो बिना साडा होर कोई किता नहीं सीगा। तो उस किते नू मैं देखिया कि जो पिता जी खेती करते हैं, मैंने कईयों ने आख्या कि तू जॉब कर ला 5-7 हज़ार दे विच, तो मैं सोचा कि जे पिता जी के उपर महीने का 2-3 लाख रुपया लग रहा आना कितों आ। चलो खेती दे विच फिर मैं उन्होंने ठेके ते जमीन ले, क्योंकि पापा लेंदे सी उन्होंने कॉन्टीन्यू रख्या 4-5 साल, तो नाल मैं अपनी खेती की। उस तो बाद मेरे को ट्रैक्टर नहीं सीगा, मैं वो भी कितों परचेज़ किया थोड़े बहुत पैसे ला के, तो जेडी मेरे को ट्रॉली नहीं सी मैं ट्रॉली परचेज़ की मेहनत करके। मेरे को बोर नहीं सीगा, पानी नहीं सी क्योंकि पड़ोसियों ने पानी मेरे तो खो लिया सीगा, तो मैं फिर बोर भी अपनी मेहनत ना कराया। तो मतलब मेरे मैं दिन रात मेहनत की कि कल मेरे पिता जी ने कोई ये ना कह दे कि या सानू कोई ये ना कह दे भी इन्होंने प्यो नहीं बचाया, या फिर कोई ये ना कह दे कि इन्होंने अपने जोड़ा परिवार आ इन्हों का रुल गया वह, क्योंकि बहुत सारे लोग कहें कि आने वाले टाइम जो तुम कटोरा ला के सड़क पर बैठोगे। पर मैं जदों साढ़े ही घर के किसी ने गल कही तो मैं एक ये चीज़ ठान ली सी कि हुण तां करके दिखाउणा भावें कुछ हो जाए। तो उस दिन तो ही फिर मैं पग बन ली कि परमात्मा जे तू मेरे नाल आ तो मैनू किसी चीज़ की थोड़ नहीं हैगी। तो फिर मैं अपने ब्रदर की जॉब, क्योंकि मेरे ब्रदर नू सारे कहिंदे सी कि ये स्टडी छड़ के घर आ जाए, तो मैनू ये सीगा मेरे ब्रदर का ड्रीम सी मैं गवर्नमेंट जॉब करनी, तो मैनू ये सीगा कि जे उहदा ड्रीम ना पूरा होया वो रुल जूगा। तो क्योंकि बंदे का हरेक का कोई ड्रीम हुंदा, तो वो चंडीगढ़ ड्रीम लैके गया सीगा। फिर मैं उहदी स्टडी नू कॉन्टीन्यू रख्या, कॉन्टीन्यू खुद भी अपनी स्टडी की कॉन्टीन्यू रखी, मैं रेगूलर जाती होंगी सी, कुछ टाइम मैं टीचर्स को उत्थे परमिशन ली कि मैं थोड़ा लेट आ जावा। तो मतलब एक सारा मिला के फिर कुछ यहोजे लोग सके जेडे कि मैं उन्होंने पूछती, क्योंकि उस टाइम मेरे को मैनू एक्सपीरियंस नहीं सी, मैनू नहीं पता सी खेती किवें होंगी है, तो मैं बड़े लोगों को पूछना भी इनू किवें करना। कुछ लोगों ने तो सही सलाह देने नहीं, पर उस तो ज़्यादा लोगों ने तो मैनू गलत ही दसना। तो एक फसल में मैं 2-2, 3-3 वारी भी अपने खेत चलाया, क्योंकि गन्ना लाना सीगा किन्ने इंच ते रखना किवें लाना मैनू नहीं पता सीगा, जीरी लानी आ उन्हू पौध किवें तैयार करी दी मैनू कुछ नहीं पता सी, मैं एवं मतलब कि सुके विच छोड़ देना, मतलब मैनू बहुत ज़्यादा दिक्कत रहिंदी सीगी उस चीज़ की। तो फिर उस तो बाद मैं अपने ब्रदर की स्टडी नू कॉन्टीन्यू रखण वास्ते मैं दिन रात मेहनत की, मैं कोई हैल्पर नहीं रख्या नाल कि हाँ भी मेरे ना कोई काम करावे, क्योंकि मैनू ये सीगा कि जेडे मैं हैल्पर नू पैसे देने मैं बचाऊंगी, ये मेरे खेती च लगनगे या फिर मेरे पिता जी की इलाज के उपर लगनगे।